नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लेकर आया हूं हाई लेवल जीके और जीएस। और इन सेशन में हम सब देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा एसएससी सीजीएल रेलवे और सीटेट के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें जीके और जीएस से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से कोशिश कीजिए और देखिए कि 25 में से आप 15 सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। लेकिन आप जो भी आंसर देंगे ईमानदारी से देना है, आपको कहीं से भी चीट नहीं करना है, ठीक है। और खुद से देखिए कि कितने क्वेश्चंस को आप सही सही आंसर दे पा रहे हैं। तो अगर आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच चुका है तो सेशन को ज्वाइन कीजिए। और मैं बता दूं, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा, जिसमें कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। जिसमें आप कंफर्ट फील करें उसमें आप जवाब दे सकते हैं। तो थोड़ा हम आप सभी को जुड़ने देते हैं, सभी को हाय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आता है हमारा तो आप सेशन को लाइक कीजिए। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप देख पाओगे। आज हमारे द्वारा आपको हाई लेवल का जीके दिया गया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। और कल हमने आपको दिया था साइंस का, उसे भी आप देख सकते हैं। और क्या है पैटर्न, पूरी तरह से उस पर इम्प्लीमेंट किया गया है। जो हमारे पैटर्न में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस आप सभी के लिए ला रहे हैं। तो चलिए, अगर आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है तो हम सेशन को शुरू करें। तो देखिए, जो लोग नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, ठीक है। और आप हमें अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके थ्रू फॉलो कर सकते हैं। वहां से भी आपको ढेर सारी वीडियो हमारे द्वारा दिए गए मिलते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। आपके लिए चैलेंज है, 25 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, वो भी विदाउट चीटिंग, ठीक है, बिना कोई चीटिंग किए हुए। तो सभी जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उन सभी को वेलकम करता हूँ, ठीक है। और हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, जो कि एग्जाम में हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। डोंट वी इविल विच टैग, जो लाइन है वो किसके द्वारा दिया गया है। डोंट वी इविल जो टैग है किसके द्वारा दिया गया है, किसके लिए है। याहू के लिए है, विंग के लिए है, गूगल के लिए है, या फिर स्टार्ट पेज है। तो अगर आप इससे वाकिफ हैं तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर वन, तो चलिए जवाब आना शुरू हो गया है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। बिल्कुल सही जवाब पल्लवी सिंह ने दिया है, ऑप्शन सी गूगल, ठीक है, गूगल इसका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे रहा। इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय, जो इलेक्ट्रिक चेयर है वो किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और फाइनली, आपका 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो टू का आंसर जो होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन ए, अल्फर्ड पी साउथ विक, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिएगा, इलेक्ट्रिक चेयर जो इन्वेंट किया गया था वो किया गया था अल्फर्ड पी साउथ विक के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे रहा। मस्तिष्क बुखार एक बीमारी है, निम्नलिखित में से किस प्रकार फैलती है, किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। ब्रेन फीवर जो है किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों के द्वारा, मच्छर के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, या फिर कॉकरोच के द्वारा, तेलचट्टा के द्वारा। तो थ्री का आंसर आ चुका है, तो बी जिन लोगों ने बोला है मच्छर, उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है, मॉस्किटो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, मैंग्रोव पौधे हैं जिसमें होते हैं। मैंग्रोव आर प्लांट्स दैट हैव, संशोधित जड़ें हैं, संशोधित तना है, या फिर श्वसन जड़े हैं, या फिर श्वसन तना है। तो फोर का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर,
तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, श्वसन तरे हैं, जड़े हैं, ठीक है, श्वसन जड़े हैं। क्या है? मैंग्रोव जो पौधे होते हैं वो श्वसन जड़े होते हैं, ठीक है, रिस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पे ये रहा, रोडेंटिया अस्क्यूस का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? जो रोडेंटिया एस्क्यूरूस जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो किसका है? चूहा का है, प्लेटिपस का है, गिलहरी का है, या उदबिलाव का है, किसका है? तो जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव का। तो फाइव का करेक्ट आंसर होगा गिलहरी। तो अगर आपका सही है तो सही का निशान लगा लीजिए अपने नोटबुक में, अगर आप नोटबुक में मेंशन करते चल रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रतिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और कमी एक साथ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब क्या होगा? थोड़ा फास्ट रिप्लाई दीजिए आप सब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब क्या होगा? सिक्स का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा आपके स्क्रीन पे, नाइट्रोजन किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर सेवन? क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेवन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन खोजा गया। और कब खोजा गया? तो ये खोजा गया 1772 यानी 1772 में। क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पे रहा, उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कृष्णदेव राय, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर नरसिम्हा देव, किसके द्वारा किया गया उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण? तो जो लगता है आपको सही जवाब जल्दी से आप उसे टिकआउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा नरसिम्हा देव यानी ऑप्शन डी। तो जिन लोगों ने डी को टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, नेपाली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? हमारे देश में कौन सा राज्य है जहां पे नेपाली बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? इस क्वेश्चन में आप सब फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है, उसके बाद जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स होगा सिक्किम, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि नगद आरक्षित अनुपात घटता है तो क्रेडिट निर्माण क्या होगा? इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन विल बी, क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, सॉरी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 10 का ए जिन लोगों ने टिक किया सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे, डिवाइस सभी प्रकार के विकिरण अल्फा बीटा और गामा की पहचान और माप के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा डिवाइस है जो कि अल्फा बीटा और गामा जो रेज हैं उनके पहचान और माप के लिए यूज किया जाता है? गीगर काउंटर, ध्रुवन मापी, कैलोरी मीटर या फिर रेडियो मीटर, किसके द्वारा मापा जाता है, पहचाना जाता है? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जिन लोगों ने गीगर काउंटर को टिक किया है उन सभी का जवाब सही है, बाकी लोगों का गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, हेमाटाइट का एक ऐसा खनिज है, जस्ता है यानी जिंक है, आयरन है, लीड है या फिर मैग्नीज है, क्या है हेमाटाइट का ऐसा?
हेमेटाइट किसका अयस्क है? जल्दी से आप इसे टिकआउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आयरन। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन में मुख्य अभिनेता का नाम क्या है? लीड एक्टर जो है हॉलीवुड मूवी टॉप गन में कौन है? हैरिसन फोर्ड, टॉम क्रूज, मेल गिब्सन या फिर निकोलस केज, कौन है लीड रोल में एक्टर? क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा टॉम क्रूज, और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑप्शन बी। तो 13 का भी जिनका भी सही है टिक लगा लीजिए अपने आंसर के सामने। चलिए 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर लिम्नोलॉजी? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 14 का ए, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो जिन लोगों ने ए को टिक किया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, काफी आसान प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन से डे को होता है? शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज 22 नवंबर, 22 दिसंबर या फिर 22 मार्च या 22 जून? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप सभी लास्ट में अपने कमेंट को जरूर कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, मार्टिन क्रो किस देश का क्रिकेटर था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपने देश के बारे में जानते हैं लेकिन थोड़ा अगर इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो थोड़ा फंसते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर्स में, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा। मार्टिन क्रो किस देश का क्रिकेटर था? क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 16 का बी न्यूजीलैंड जिन लोगों ने बोला है बिल्कुल 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक अनटचेबल, प्रेमचंद, सरोजनी नायडू, के नटवर सिंह या फिर मुल्क राज आनंद, किसके द्वारा अनटचेबल बुक जो है लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है अनटचेबल। ठीक है, तो जिन लोगों ने डी टिक किया है बिल्कुल सही है आप सभी का जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक संगीत निर्देशक के रूप में किसने अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं? हु हैज ऑन मैक्सिमम फिल्म फेयर अवार्ड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ए आर रहमान, अनु मलिक या फिर जतिन ललित, किसके द्वारा सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीता गया है म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है ए आर रहमान। ठीक है, चलिए बी जिन लोगों ने टिक किया सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, आजादी राचाटा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है? किसका बॉटेनिकल नेम है? ठीक है, आजादी राचाटा इंडिका, गुलाब का पौधा क्या है, सेब का पेड़ है या फिर नीम का पेड़ है या फिर आम का पेड़ है? 19 का करेक्ट आंसर जो होगा जिन लोगों ने बोला है सी, बिल्कुल सही है, नीम का पेड़ को कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी जो नेम है आप एक बार जरूर अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है रेलवे में भी बन रहा है और आपके एसएससी सीजीएल में भी बनेगा। ठीक है, यहां तक कि आपका ग्रुप डी में भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इन सभी क्वेश्चन से अपडेट रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन या फिर निकल, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से बताइए आप सब।
तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ऑर्गन। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 21, 21 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? बाजीराव फर्स्ट 1720 टू 1740 एडी वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? नंदा, पेशवाओं, हर्यक या फिर मौर्य? तो 21 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। तो जिन लोगों ने बी टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है पेशवा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है, हमें सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? लूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनोमीटर या फिर बारोमीटर, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है, तो जिन लोगों ने बोला है ए उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। देखिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, जो डिवाइस है, वो होता है आपका लूसीमीटर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, काफी आसान है। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? विथ रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, क्या होता है जी ग्रेविटी में? तो काफी आसान है। तो 24 का, सॉरी 23 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स, इसमें भी आप सब फंस रहे हैं। देखिए, यहां पे पूछ रहा है ग्रेविटी के रेफरेंस से जी को क्या कहा जाता है। तो जिन लोगों ने बोला है ए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उन सभी का जवाब सही है। देखिए, यहां पे आप सब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, तो आप याद रखिए कि गुरुत्वाकर्षण के अगर संदर्भ में जी को पूछा जाए तो वह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ए बोला है उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं कि डेली इस तरह से सेशन हमारा चलेगा, अगर आप सभी ने सपोर्ट किया तो अगर आप सभी इंजॉय करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस टीम ने 2016 यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी? अब देखिए, हम लोग वर्ल्ड कप के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सब फंस सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब अगर पता है तो जल्दी से इसे टीक आउट कीजिए। पुर्तगाल, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्राजील? 24 का सही जवाब, चलिए, अशोक चौधरी ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है पुर्तगाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2016 का यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप जो है पुर्तगाल ने जीता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब देखिए, 25 जो क्वेश्चन है वो है आपका, आप देख पा रहे हैं, द ऑथ ऑफ द वायुपुत्राज यानी शिवा त्रिलोजी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अमित त्रिपाठी, चित्रा बनर्जी, दिवाकरोनी या रस्कन बॉन्ड या फिर अश्विन सहाय के द्वारा, सॉरी सांगी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो 25 का ये बिल्कुल सही जवाब है और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये लिखा गया है अमित त्रिपाठी के द्वारा। तो इस तरह से आज का हमारा जो सेशन है कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए इन सेशन के रिगार्डिंग, और अगर आपने इंजॉय किया तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप हमें एन अकेडमी में फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, और हम इसी तरह का कंटिन्यू करेंगे सेशन अगर आप सभी का सपोर्ट मिला तो अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाइए। और फाइनली, आपका कितना सही हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको चैलेंज दिया था कि 25 में आप 15 का सही आंसर देकर दिखाइए।
तो कितने सही हुए आप मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।